भारत में रेल सेवा के आंशिक रूप से शुरू होने के बाद अब घरेलू यात्री उड़ाने यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी जल्द ही शुरू हो सकती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने एक ट्वीट कर जानकारी भी दी कि ऑपरेशन फिर से शुरू करने की तैयारी चल रही है और इस बारे में फैसला होते ही ऑपरेशन यानी कि उड़ाने शुरू किए जाएंगे। हरदीप पुरी ने यह भी बताया है कि अब लोगों के यात्रा करने के तरीकों में बदलाव लाए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन भी किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि घरेलू उड़ानें शुरू होती हैं तो ये एक राहत भरा कदम होगा। रेल सेवा शुरू हो चुकी है लेकिन ट्रेन में कहीं जाने में वक्त लगता है। लोग ज्यादा देर तक सफर करेंगे तो एक्सपोजर के चांसेस भी ज्यादा होंगे। सावधानी बरतकर हवाई सेवा शुरू की जा सकती है। फिलहाल सरकारी निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। अगर फ्लाइट सेवाएं शुरू होंगी तो नियमों में कुछ बदलाव किए जाएंगे। भारतीय एयरलाइंस और अलग अलग एयरपोर्ट अथॉरिटीज द्वारा इन बदलावों की सूची तैयार की गई है। सफर से पहले यात्रियों की जांच होगी, कहीं उनमें COVID-19 के कोई लक्षण तो नहीं। यात्रियों को फ्लाइट में यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 100% सीटें नहीं भरी जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कुछ सीटें खाली रखी जाएंगी। चेक इन काउंटर और बोर्डिंग गेट पर एयरपोर्ट स्टाफ और क्रू PPE यानी कि मास्क, ग्लव्स और शू पहनकर खड़े होंगे। विमान के अंदर खाना देने की सेवाएं फिलहाल बंद कर दी जाएंगी। बार बार छुई जाने वाली जगहों जैसे ट्रे टेबल, आर्मरेस्ट, ओवरहेड नोजल आदि को WHO द्वारा अप्रूव डिसइंफेक्टेंट से वक्त-वक्त पर साफ किया जाता रहेगा। एयरक्राफ्ट की लगातार डीप क्लीनिंग की जा रही है और इंजन के जरिए ताजा हवा आने का इंतजाम भी किया जा रहा है। जो HEPA यानी कि हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर से गुजरेगी और फिर केबिन में हवा आएगी। एयरलाइंस के अनुसार HEPA के जरिए एयरक्राफ्ट में हॉस्पिटल स्तर पर फिल्ट्रेशन सुनिश्चित हो सकेगा। बुजुर्गों के लिए आगे की या पीछे की सीटें तय की जाएंगी क्योंकि उन्हें बीच बीच में कई बार उठना पड़ता है। शौचालय के इस्तेमाल को लेकर भी सावधानी बरती जाएगी। केबिन क्रू भी कम होंगे। हो सकता है यात्रियों की मदद के लिए एक या दो क्रू से काम चलाया जाए। वेब चेक इन पर जोर दिया जाएगा। हो सकता है जाते वक्त सामान लेने के लिए बेल्ट की संख्या भी बढ़ा दी जाए। शुरू में सीमित उड़ानें चलाई जाएंगी। टूरिज्म के लिए लोग फिलहाल स्थिति सामान्य होने तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटीज।